कांग्रेस की सिर हुई ऊंचा, कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी उठापटक जारी है। बुंदेलखंड अंचल में भी कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है। दमोह जिले के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो गई। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन सभी की पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। दरअसल दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे के पति धर्मेंद्र कटारे विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर सकते हैं। उनका कहना है कि वह कमलनाथ की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में पार्टी में आए हैं। आने वाले चुनाव में हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का आदेश देगी तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि दमोह में इससे पहले भी कई नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस जिला में जातिगत समीकरण को भी साधने में जुटी है। अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष के कांग्रेस में आने से दमोह में कांग्रेस का चारों सीटों पर फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि कटारे धर्मेंद्र साथ बटियागढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत जनपद सदस्य और कई सरपंच भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो बता दें कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर सियासी माहौल बहुत टकराने वाली है बीजेपी से, और जिस तरीके से निकली जा रही है कांग्रेस का दावा, वो सबसे ज़्यादा अलग दिख रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की तरफ सभी जनता एकत्रित हो चुके हैं। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।